मेरा नाम वसीम अकरम अब्दुल हमीद, मैं धुलिया ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ज़िम्मेदार रुकन हूँ और धुलिया ज़िला कोर कमेटी का मेंबर हूँ। हम जो आज औरंगाबाद में आए हुए थे तो धुलिया में जो इलेक्शन आने वाले दिनों में इलेक्शंस है, 9 दिसंबर को धुलिया में पोलिंग होने वाली है, तो उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 16 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा था, जिसमें से 2 लोगों के फॉर्म में कुछ गलतियाँ निकलने की वजह से हम हाईकोर्ट में आए हुए थे। हम पहली दफ़ा भी जब हाईकोर्ट में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे औरंगाबाद के ज़िम्मेदारों ने बहुत अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया, पूरा तरीके से हमारा गाइडेंस किया, हर तरीके से हमारे साथ में रहे, हर तरह की मदद की, हमको वकील भी दिए, दस्तियाब किया, सब कुछ हमारे साथ किए। इसके लिए पूरे शहर औरंगाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से हमारे अपने आमदार शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब, हमारे इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब का अपने नगर सेवक गढ़ नेता अपोजिशन लीडर जमीर कादरी साहब, अहमद शेख साहब, अजीम खान साहब और जो भी तमाम लोग जो ऑब्जर्वर हमारे दुनिया में आते हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आने वाले दिनों में जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन दुनिया में होने वाले हैं, इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वहाँ पर अभी 14 सीटें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही है और हमको उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमको एक बड़ी कामयाबी के साथ दुनिया में नवाजेगा। जहाँ तक मैं कहूँ इंशाल्लाह 8 से 10 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होंगी और एक नई तारीख दुनिया शहर में लिखी जाएंगी। आने वाला वक्त इंशाल्लाह दुनिया शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह अभी तक हमारे अपने औरंगाबाद शहर के लोगों ने हमारा साथ दिया, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त हमारे साथ तैयार रहते हैं, ये इसी तरह हर वक्त हमारे साथ तैयार रहेंगे। एक अच्छा माहौल तमाम लोगों ने मिलकर दुलिया शहर में तैयार कर दिया है, जिसमें बहुत बड़ा रोल हमारे अपने औरंगाबाद के कॉरपोरेटर हजरात का भी है, हमारे MLA इम्तियाज जलील साहब का भी है, जिन्होंने बड़े शानदार तरीके से एक सभा लिया वहाँ पर और एक जलसा लिया जो बड़ा ही कामयाब हुआ। उसके बाद लगातार कॉरपोरेटर्स आते रहे, दुलिया में एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन माहौल बन चुका है। दलितों के बड़े लीडर जिन्हें वाल्मीकि अन्ना दामोदर के नाम से जाना जाता है, जो RPI के महाराष्ट्र अध्यक्ष थे, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल की, वार्ड नंबर 13 से मजलिस से उम्मीदवारी कर रहे हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ इंशाअल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से पूरी उम्मीद है कि वार्ड नंबर 13 की पूरी सीट चुनकर आएंगी, वार्ड नंबर 3 की पूरी सीटें चुनकर आएंगी और जहाँ जहाँ मजलिस ने खड़ा किया है इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे और हर सीट पर पूरी तरीके से कामयाब होंगे। हम यही चाहते हैं यहाँ की आवाम से भी कि वो हमारा लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमको कामयाब करें और दुनिया की आवाम से भी यही चाहेंगे कि 9 तारीख को जो आने वाले इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ वोटिंग के लिए हाजिर हो और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसका अपना इंतखाबी निशान पतंग है, इस पतंग के निशान को वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करें, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज एक ऐसी जमात है जो कि गरीबों, मजलूमों, दलितों और अकलियतों को लेकर चलती है। अकलियतों के कोई भी मसाइल हो तो मजलिस पूरी तरीके से हर वक्त तैयार रहती है। तो आज जो अकलियतों पर हालात है, जो हम पर जुल्म हो रहा है, अगर हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है तो हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना पड़ेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, हमारा एक एक वोट इम्तियाज साहब की आवाज़ को मजबूत करेगा, वारिस पठान साहब की आवाज़ को और ज़्यादा असम्बली में बुलंद करेगा, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को ताकत देगा और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक नई जान फूकेगा। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो धुलिया के इलेक्शन लड़ने जा रही है, तमाम लोग उसके लिए दुआ भी करें और जो हमारे अपने रिश्तेदार जो धुलिया में रहते हों उन तमाम लोगों से गुजारिश भी करें कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो इंतखाबी निशान पतंग है, इसके जितने भी कैंडिडेट जिस वार्ड में खड़े हुए हैं उनको वोट देकर कामयाब करें और एक अहम रूल धुलिया की महानगर पालिका में मजलिस को आता हो, इस तरीके का काम हम करने की कोशिश करेंगे। बस इतना कहते हुए मैं अल्फाज खत्म करूँगा।